तो दोस्तों मंदिर का बाहर का व्यू ऐसा है, देखिए, और इधर नीचे गांव है। और अब लगभग 120 से भी ज्यादा, देखिए, अगर कोई पैदल आता है गांव से डायरेक्ट तो यहाँ से आता है ना, यहाँ से आते 120। अगर मोटरसाइकिल वगैरह, बोलेरो वगैरह, जो भी कोई दूसरा फोर व्हीलर साधन है ना, वो यहाँ से आता है, यहाँ पर पूरा चढ़ जाता है ऊपर, ऊपर ऊपर से दिख जाएगा, ऊपर से चलते ऊपर चलते हैं, वहाँ से दिखा देंगे हम आपको रास्ता। और ये जो मेन है, ये मंदिर का मेन दरवाजा है, यहाँ से मेन दरवाजा है, मेन दरवाजा, और मंदिर का पूरा भी दिखा दो आप पे, देखो बहुत ही सुंदर। ये खिड़कियां भी मस्त लगा रखी, रोशनदान खिड़कियां भी मस्त हैं, देखिए रोशनदान है। देखिए मंदिर के बाहर ही ये है हवन कुंड है, यहाँ ये दूना, मतलब इसमें जो डूब के लिए जो जागता करते हैं, इसमें बाहर मंदिर के बाहर काफी सुंदर है ऊपर की। तो अब देखिए, अब दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर देखिए आप कितना सुंदर ये जो टाइल्स लगे हुए हैं, ये ग्रेनाइट का है, ये साधु माता जी की मूर्ति है, गोद में श्री देवनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, और ये मेन देवनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ये मूर्ति देवनाथ जी की है, और ये सोई पोच की है जो देवनाथ जी के पिताजी है, और यहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार की, मतलब गणेश जी वगैरह, ब्रह्मा जी, शिव परिवार स्थापित है। और ये जो है ना, ये पहले जो जो मूर्ति थी ना श्री देवनाथ जी की, यहाँ पे जो ईंटों की थी ना, वो तो अभी मतलब जो उद्घाटन हुआ ना, उसके अंदर दो देवनाथ जी की जो भी मूर्ति जो नए लेकर आए ना, उनको तो पुष्कर जी गाजिया गए, उस पे केवल एक मूर्ति बचा के रखी, एक ही है, और ये साधु माता जी की मूर्ति, बाकी जो ये मूर्ति है ना, ये अभी जो ईंटे है वो अभी मतलब ये जो उद्घाटन हुआ उसके अंदर ये लाई गई, ये मूर्ति है ना जो ये, और ये अखंड जोत है ना, ये जोत काफी सालों से चल रही है, जब मेरे पापा मोदराम जी, पापा जी जब मेरे उम्र के थे, तब से ये मतलब ये जोत चल रही है, जो अखंड चलती है, 24 घंटा चलती है, घी के दीपक से चलती है, मतलब 24 घंटा ये चलती रहती है, मतलब इसको कभी आज तक बंद नहीं किया, जब से इसको चलाया आज तक उसकी इसको बंद नहीं किया, जोत को काफी सालों से चल रही है। आवाज की मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, आवाज नहीं, आवाज सही आ रही है। भगवान श्री देवनारायण जी और साधु माता श्री सवाई बोध जी महाराज, और बाकी जो मंदिर में आप देख सकते हैं एडजस्ट फैन भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या मतलब जोत वगैरह चलती है, तो मतलब कलर में कुछ वो नहीं आए, इसलिए बाकी तो बहुत बढ़िया। ऊपर की डीजे ऊपर चल के देखते हैं, चलिए सही है, सीढ़ियाँ अच्छा, एक बार पीछे से यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने लगाया कोशिश की है, मैं पौधे लगाता रहता हूँ, मतलब यहाँ पे मंदिर में फूल वगैरह पौधे जितनी मेरी हो सकती है, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए पौधे हैं, ये होद है पानी का, और ये पहले जो होद ये होद था, लेकिन उस पर पानी मतलब ये जो काम चल रहा था ना, इसी वजह से जेसीबी वाले ने ठोक दी, तो थोड़ा बहुत टूट गया यहाँ पे, तो इसको भरते हैं तो पानी निकल जाता है, इसलिए वापस अभी इसकी मरम्मत कराएंगे। चलिए अब ऊपर ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको पूरा गांव का व्यू, सीढ़ियां बहुत जोरदार बनाई है। इसमें लगभग कितना खर्चा आ गया होगा मंदिर में? खर्चा हो गया पूरे मंदिर में लगभग आप मान लो 80 लाख से बाहर है, 80 लाख इस मंदिर में, लेकिन जो भी और बाकी जो रेलिंग वगैरह ये काम नहीं है, अलग ही था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ का व्यू देख सकते हो, बिल्कुल पीछे तो खेत वगैरह है, मतलब ये दो दो बनाए ऐसे ना, हाँ ये गमटी दो है, और इनके अंदर भी मूर्तियां, दो गमटी ऊपर ऊपर में, ऊपर में नहीं, इस मंदिर के इसके अंदर स्थापित है। अच्छा, नीचे है ना, होता हूँ, अच्छा कृष्ण भगवान और राधे मैया का है, मतलब इस गमटी के अंदर ही मंदिर है, देखिए हाँ ऊपर में, हाँ ऊपर में भी देख सकते हो, देखो ऊपर में पूरी पूरा ऐसा है, देखो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, हनुमान जी की,
राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे। काफी ये भी सेम उसकी तरह है गंदी। ऐसे मूर्तियाँ हाँ उसी प्रोग्राम के दिन मतलब जो उद्घाटन हुआ था देव जी की जो मूर्ति लगी उसी दिन इनको भी यहाँ स्थापित किया गया। इनको भी यहाँ से मतलब गांव देखोगे तो गांव आपको यहाँ से दिख जाएगा पूरा। मतलब गांव तो मतलब आधा पाली जिले के अंदर है, थोड़ा बहुत अजमेर जिले के अंदर चार पांच मकान आते हैं, बाकी ये पहाड़ के साथ साथ बसा हुआ है। अच्छा पहाड़ के किनारे किनारे बसा हुआ है, पहाड़ के सीधा लंबा रोड के हिसाब से यूँ इकट्ठा नहीं है पूरा गाँव को मिला के। कितने घर हैं यहाँ? यहाँ पे लगभग 70-75 घर है लगभग। ये क्या सफेद सफेद क्या दिख रहा है? ये तो ये नंदी पहले बहती थी इसके अंदर, अभी तो बजरी उठा ली गई है इसे। पहले हमेशा बहती थी? हाँ बहती थी, अभी पानी को आगे से रोक कर उसको मतलब यूज किया जाता है पानी को, तो इसीलिए बंद करवा दीजिए। बाकी मतलब पानी तो इसके अंदर भरता है, चौमासे के अंदर पानी आ जाता है कभी कभी, अगर बारिश अच्छी हो तो आ जाता है। और ये जो फैक्ट्री है वो कौन सी है? ये श्री सीमेंट बांगल सीमेंट, यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है। सीमेंट की दिख रही है कैमरा से? दिख रही है। हाँ ये श्री सीमेंट, और यहाँ पे कॉलोनी बनी है जो श्री सीमेंट के स्टाफ वगैरह जो भी रहते हैं कर्मचारी काम करने वो काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे माता जी का मंदिर अभी बनेगा। अच्छा नीचे ये बनेगा यहाँ पे, ये जो बहुत बन रहा है यहाँ पे ये रास्ता ये मंदिर से नीचे जाता है और यहाँ मंदिर बनेगा, तो आवाज़ आप मतलब कम आ रही है मंदिर का रास्ता है यहाँ, ये बनेगा मंदिर बनेगा माता जी का अभी। ये पूरा पहाड़ के किनार किनार पे बसा हुआ गाँव है ना? हाँ पहाड़ के किनार भी। चलो बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ से दिखाओ आप गम किया होगा। देखिए क्या बात, बहुत सुंदर जियो का टावर भी दिख रहा है। देखिए रास्ता तो बढ़िया है, ये रास्ता यहाँ से निकलता है बहुत अच्छा। ये रुपये में आपको एक बात बताऊँगा, ये जो ये जमीन है ना यहाँ पे, ये जो जमीन है ये मतलब पूरे देवनारायण जी के नाम है पूरी। यहाँ पे मतलब किसी का भी भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं है, यहाँ से मतलब पत्थर ले जा सकते हैं वगैरह, पत्थर यहाँ से बाहर नहीं जाता, केवल गांव में काम आता है, गांव में यूज कर सकते हैं इसको, बाहर नहीं ले जा सकते किसी दूसरे गांव के, केवल खेत खेत लोगों के। ये खेत छोड़ रहे, ये पहाड़ लगे हुए हैं पूरी देवनाथ जी के नाम पे। यहाँ से ना तो कुछ मतलब मकान बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये देवनाथ जी के नाम पे। वहाँ पे कैनीगेट भी बना हुआ है पानी भरने का। हाँ ये यहाँ पे मतलब नरेगा चलते बना हुआ है, नाड़ी है इसका, नाड़ी बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें।